एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टाइलरिंग एसेसरी डिजाइनर एंड रेडीमेड शोरूम नियर गांधी चौक लिंगसुगुर रोड रायचूर। नाजरीन आदाब, A1 टीवी रायचूर में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आज की अहम खबरें पेश करने से पहले मैं आपको एक मसर्रत भरी खबर, एक खुशखबरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाजरीन, हमारा A1 टीवी चैनल अब दोबारा से आप अपने टेलीविज़न सेट पर डेन के 744 नंबर पर फिर से मुलाहिजा कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। डेन केबल जिनके मकानों में हैं वो लोग 744 पर अगर अपने रिमोट पर क्लिक करें तो हमारे चैनल को आप मुलाहिजा कर सकते हैं। हमारे चैनल में आपको दिन भर खबरों के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी आपको मिलेगा और ऐसी फिल्में और दीगर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिनका ताल्लुक़ रायचूर से है और जो आपने कभी नहीं देखी या फिर उनकी एक इंफरादी हैसियत होगी। नाजरीन, ज़रूर आप अपने टेलीविज़न सेट पर हमारे A1 टीवी चैनल को देखिए। लीजिए नाजरीन, आज की अहम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि शहर के एक मशहूर ईफा फाउंडेशन ने भूख मिटाने के लिए एक नए इकदाम का आगाज़ किया है। इस इकदाम के मुताबिक शहर का ईफा फाउंडेशन गुज़श्ता कई सालों से भूखे और गरीब अफराद का सहारा बना हुआ है। 1000 से ज़ायद दिन हो गए ईफा फाउंडेशन की जानिब से मुसलसल रोज़ाना मुफ्त खाना खिलाने का अहतमाम जारी है। गरीब और नादार अफराद यहाँ पहुँच कर खाना खाते हैं। इसके अलावा माजूर गरीब अफराद तक ईफा फाउंडेशन के कारकुनान खुद जाकर खाना पहुँचाते हैं। इस तंजीम ने 3 माह कबल वाल ऑफ काइंडनेस यानी मेहराब मेहरबानी का क़याम किया था और शहरियों को तलखीन की गई थी कि जो अशिया मसलन कपड़े बैग स्कूल बैग किताबें और दीगर ज़रूरत के सामान जिनकी आपको ज़रूरत ना हो वो आप वाल ऑफ काइंडनेस पर रख छोड़ें और जिनको ज़रूरत है वो बिला रोक टोक यहाँ से ले जा सकते हैं। इसकी कामयाबी के बाद आज ईफा फाउंडेशन ने फ्रिज ऑफ काइंडनेस का क़याम अमल में लाया, जो कि एक अनोखा काम है, एक मुनफरिद काम है। इस फ्रिज ऑफ काइंडनेस का इफ्तिताह रायचूर ज़िला SP वेदा मूर्ति ने किया। इफ्तिताही जलसे की सदारत करते हुए अलहाज मोहम्मद शब्बीर, चेयरमैन ईफा फाउंडेशन, और बतौर मेहमान खसूसी डॉक्टर जागृति देशमान्या, प्रोफेसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रायचूर ज़िला SP वेदा मूर्ति ने ईफा फाउंडेशन के इस इकदाम की सताइश की। इन्होंने कहा कि किसी भूखे को खाना खिलाना बड़े सवाब का काम है। मुझे खुशी है कि ये तंजीम मुसलसल खाना खिलाने का इंतज़ाम करती आ रही है। डॉक्टर जागृति ने भी फ्रिज ऑफ काइंडनेस के क़याम की सताइश की। नाजरीन, आपकी ज़रूरत से ज़ायद हो चुके खाने को इस फ्रिज में रख छोड़ें और भूख से परेशान कोई भी फ़र्द कभी भी आकर यहाँ से खाना हासिल कर सकता है। इस इफ्तिताही जलसे में मोहम्मद साजिद, मोहम्मद इलियास और ईफा फाउंडेशन के दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಡ್ ಇಸ್ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣದಿಂದ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋವಂತೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತು ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾಡುವ. ನಾನು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೈತ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ದೂರದಿಂದ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಮಾಡಿ ಬಾತ್ ಯು ಸಿ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೆಟರ್ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ.